राम राम सभी को। इस वक्त हम अपने गांव में हैं। तो आज हम आए हैं हमारे खेतों में, और हमारे खेतों में चने बो रखे हैं इस टाइम पे, और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, इसलिए हम आज खेतों में आए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पे जो खेती हो रखी है उसके बारे में। तो हमारे चाचा आज हमें बताएंगे कि हमने कौन सी फसल उगाई है और उसके बारे में कि वो कौन से सीज़न में लगती है, और किसान क्रेडिट के बारे में भी बताएंगे। हेलो, यू आर हियर? यस। गोली कितनी खुश हो रही है आप? चने चने हैं हमारे खेत में, और ये चने की फसल राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, और ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसको बोया जाता है। मार्च तक ये पक जाते हैं, और मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इनकी कटाई शुरू होती है। फरवरी में इनमें लगभग फूल आने लग जाते हैं, और अब की बार बारिश हुई है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है इस फसल को। केवल बरसात की वजह से ही, राजस्थान में सर्दियों में जो बरसात होती है जिसको मावट बोलते हैं, वो इनके लिए अमृत का काम करती है, और केवल उसी से ये पैदा हो जाते हैं। ये हमारा पूरा चने का खेत है, और इधर भी ये भी हमारा चने का पूरा खेत है। ये सामान्यतः होली के बाद में इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। और उधर ये सरसों के खेत है हमारे, ये सरसों है, और इसकी कटाई शुरू होने वाली है। उसके बाद में वो गेहूँ के खेत हैं हमारे। हम केमिकल यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक वो है। इसमें खाद में बकरियों की खाद, भैंस की खाद और गाय की खाद सामान्यतः उपयोग में ली जाती है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई वो उपयोग में नहीं लिया गया है। फर्टिलाइजर के नाम पे केमिकल कोई भी इसमें उपयोग में नहीं लिया गया है। और कोई कीड़े वगैरह जो इसमें लगते हैं? कीड़े अभी तो इस बार नहीं है इसमें कीड़े, लेकिन अगर कीड़े अगर इनमें लगते हैं तो फिर जरूर इसमें पेस्टिसाइड है, इसके लिए छिड़काव करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। बाकी अब की बार इसमें नुकसान नहीं है इस फसल में। होता है जो बहुत जल्दी वो ग्रोथ करता है, और उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा एक उसका देसी जो इसको कहेंगे लोकल जो उसका इलाज है, ट्रीटमेंट है, कि एक ये जो कीड़ा है जिससे ये पैदा होते हैं, इसका प्रजनन होता है, वो लाइट के पास में आ जाता है। तो जैसे किसान अपने उसके आसपास हम लोग वो कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, तो लाइट में सारे वो आ जाते हैं वो कीड़े, और इसका वो हो जाता है। तो ये एक इसको रोकने का एक देसी नुस्खा है। वो है जो फली छेदक कीड़ा बोलते हैं उसको, तो इसके अंदर जैसे वो पाया जाता है। इस बार नहीं है, बहुत कम नुकसान है इसमें, बाकी ये इसके अंदर वो हो जाता है। अभी इन चनों में इनमें दाने शुरू हो गए हैं, ये इस तरीके से यहाँ वो इसके अंदर लट जो फली छेदक है वो करती है, और इनको नुकसान करती है, खा जाती है इनको। एक फीट
कितनी है? एक फीट। हाँ एक फीट, एक फीट इनकी हाइट है। ज़्यादा पानी अगर इनको मिलता है तो फिर इनमें फल कम लगता है और इनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, उससे नुकसान होता है। बाकी इनकी सामान्यतः जितनी इनकी कम होगी, इनकी ग्रोथ कम होगी, उतने ही इसमें फल ज़्यादा लगेंगे। तो ये वीड मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा बथुआ है जो खेत में उग चुका है, इसलिए इसको हटा रहा है। रुक जा, भी ढंग की जगह जा, गिर जाएगी। तो गांव में सबके पास जो है गाय भैंस है, और जो उसका गोबर होता है उसको लोग ऐसे खेतों के पास में लगा देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। फिर इसको ही बाद में जब खेती करते हैं उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको रेवड़ा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, और करते भी तो बहुत कम, मतलब इतना नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रेवड़ा यहाँ पे लगा के रखते हैं। रोज़ शाम को आकर के जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो यहाँ पे ऐसे डाल के चली जाती हैं डिकम्पोज होने के लिए। फिर 6 महीने बाद में वापस फसल लगानी होती है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये है सरसों का पेड़। चेपा का रोग है ये, और ये छोटे छोटे कीड़े इसमें लग जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल, ये छोटे छोटे कीड़े इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये रोग लग गया अब इसमें। अब ये धीरे 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 नष्ट हो जाएंगी, ये इसके फ्लावर्स को और इनको सबको नुकसान पहुंचाया है इसने। सरसों के खेत हैं, अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। रबी की फसल है ये, और किसान के लिए सबसे अच्छी नकदी फसल है ये। नकदी फसल के नाम से इसको जाना जाता है राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है सरसों का। राजस्थान के अलवर, दौसा, भरतपुर, इन ज़िलों में इसका बहुत आयत उत्पादन होता है, और ये अब कटाई के लिए तैयार है इसको। ये गेहूं की फसल है, ये हमारी गेहूं की फसल है। गेहूं भी अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक इनकी कटाई होती है। ये सारी रबी की फसलें हैं, रबी की फसल के नाम से इनको जाना जाता है राजस्थान में, और खाने के लिए राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है ये। इसके लिए तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है। हाँ, इसके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और इनमें खर्चा भी ज़्यादा आता है इसमें। इनके लिए कम से कम 4 पानी चाहिए, 4 बार इनको पानी देना होता है। तो ये जाली लगा करके पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है फसल को। मुझे लग रहा है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है गेहूं की फसल की। गोलू के पापा इधर खड़ा करो, इधर मुझे ये अच्छा लग रहा है।
ये जौ की फसल है, ये भी रबी की फसल है, राजस्थान में इसको रबी की फसल कहते हैं। और ये भी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ये इसके लिए चारे के लिए काम में आती है। और जौ से बियर का जो उत्पादन होता है, वो बियर जो बनती है वो जौ से ही बनती है। दिखते हैं लेकिन इसका अंदर से जो दाना होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। और इसको चने के साथ में मिला के जब इसकी रोटियां बनाई जाती है, गोचनी उसको जिसको बोलते हैं, उसमें गेहूं और जौ और चना तीनों मिला के और उसको राजस्थान में किसान खाते हैं और बहुत ही पौष्टिक होती है वो रोटियां। राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू कर रखी है, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें किसानों को कम उस पर लोन दिया जाता है, कम ब्याज दर पे। और ये किसान को अपनी ज़मीन के काम के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने उर्वरक खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए भारत सरकार जो व्यावसायिक बैंक है उनके माध्यम से लोन देती है। और ये 7% इस पर ब्याज लगता है, उसके बाद में 4% भारत सरकार अनुदान देती है। अगर उस लोन को किसान समय पे उसका रिपेमेंट करता है तो 4% उसको अनुदान मिलेगा, तो 3% ब्याज किसान को देना होता है। और किसानों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। और इसके लिए कोई भी व्यावसायिक बैंक है, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, सभी बैंक केसीसी देते हैं। केसीसी की फुल फॉर्म होती है किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें किसान को हर साल भर में अपना पेमेंट जमा करवाना होता है, उसके बाद में उसको वापस 2-3 दिन बाद में उसका रिन्यूअल होकर उसको वापस पैसा मिल जाता है। तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है भारत सरकार की। ये किसानों में लगभग सभी किसानों ने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, किसी ने SBI से ले रखा है, किसी ने पंजाब नेशनल बैंक से ले रखा है, किसी ने यूको बैंक से ले रखा है। ये खतपतवार है, ये बथुए का पेड़ है, इसकी निराई नहीं की हमारे बड़े किसान ने, इस वजह से ये वो है। इसके लिए आजकल किसान केमिकल भी यूज करते हैं, वरना इसकी निराई करनी पड़ती है, यानी कि खतपतवार को निकालने के लिए जो कार्य किया जाता है इसको निराई बोलते हैं राजस्थान में, वीड मैनेजमेंट। बथुआ इसका बहुत उपयोग होता है, बथुए का रायता राजस्थान में बनाया जाता है। ऊंचे होते हैं, मतलब ये पेड़ आरंभिक अवस्था में इसके पत्तों को तोड़ के उनको बॉयल करके और फिर दही में मिला के इसका सब्जी बनाई जाती है, जिसको रायता बोलते हैं। और बहुत फेमस रायता है राजस्थान का, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये भूख लग गई है पापा। ये जौ की फसल है और इस तरफ है गेहूं की फसल। जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, पर यही होता है कि जो गेहूं के दाने होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और जो जौ के दाने होते हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं होते। यहाँ तक मुझे डिफरेंस इन दोनों में जो दिख रहा है वो ये भी है कि ये वाली ज़्यादा डार्क ग्रीन है और ये वाली थोड़ी लाइट ग्रीन है। अब पता नहीं है डिफरेंस होता है नहीं होता, पर दिख तो ऐसे ही रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।